नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 155वें दिन का क्लास को देखने वाले हैं। दोस्तों, इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके दिनचर्या के लिए। देखिए, आज जो इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है और हर जगह जो है, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो या मोबाइल हो। देखिए, मोबाइल सबसे ज़्यादा है हमारे हाथ में रहता है और उस मोबाइल के अंदर सारा का सारा कुछ जो है दोस्तों, अधिकांश जो है 90% देखा जाए तो आप देखते हैं तो इंग्लिश का ही जो है टेक्स्ट दिखता है। ठीक है, टेक्स्ट यानी जो लिखा हुआ रहता है। तो आइए जानते हैं इंग्लिश के कैसे इंग्लिश को आसानी समझे और कैसे उसको बोलना सीखे। सब कुछ समझना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आसानी से बोलना लिखना सीखना अगर चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सबसे पहले और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और देखिए शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर पिछले वीडियो पर जाना चाहेंगे तो ओमनीसिएंट इंग्लिश जो है यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिएगा तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल के बगल में आप डिस्क्रिप्शन खोलिए तो वहाँ सारे के वीडियो लिंक मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर लिखना सीखना चाहते हैं तो लिखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने पर। पढ़ने से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। देखिए, सब कुछ इजी स्टेप में है क्योंकि ग्रामर का कोई खास उपयोग नहीं किया गया। जितने के सारे ग्रामर के रूल रेगुलेशन है सारे के सारे सेंटेंस फॉर्मेट पर फिट हैं। तो आपको बस क्या करना है कि सेंटेंस फॉर्मेट को याद करते जाना है, बोलते जाना है, लिखते जाना है, तो आपको लिखने, बोलने और पढ़ने साथ साथ समझने भी आ जाएगा। तो देखिए, हाँ, बात करेंगे हम लोग दोस्तों, एक्चुअली ये देखिए एक सब्जेक्ट चार्ट है और सब्जेक्ट चार्ट में दोस्तों दो तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि थोड़ा सा अलग है, पहले जो था उससे अलग है। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस भी अलग अलग होते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स पे हम लोग चल रहे थे तो यहाँ देखेंगे। तो खैर, ये देख लीजिए एक बार कि कहीं कहीं जो है आई की जगह मी हम लोग यूज़ करते हैं, वी की जगह जो है अस यूज करते हैं, यू की जगह यू, लेकिन हिंदी में चेंजेस होता है। ठीक है, तो यहाँ यू में तो यू ही रहता है, ही की जगह हिम यूज़ करते हैं और दे की जगह देम यूज़ करते हैं। यानी कि हिम का प्लूरल क्या होता है, देम हो जाता है, और यू का प्लूरल यू ही रहता है, और मी का प्लूरल जो है अस हो जाता है। इसी तरह हर का प्लूरल जो है देम है, इट का प्लूरल भी देम है, लेकिन हिंदी में अंतर है। तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा चेंजेज रहता है, बाकी के नीचे के सारे सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या करना है कि को लगाकर कुछ सेंटेंस बनते हैं, जैसे मुझको लगता है इस तरह से। तो खैर, आगे देखिए, अब समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये इस तरह का बात बता रहा हूँ। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो आइए नेक्स्ट है, देखते हैं स्लाइड। तो ये है ऑब्जेक्टिव वर्ड्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स है, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों? क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में इस तरह का सेंटेंस को इस्तेमाल, जैसे मी, जैसे मैंने बताया था मी का हिंदी मुझे मुझको होता है, अस का मी का ही प्लूरल होता है अस, और हिंदी होता है हमें हम लोग को, यू में तुम्हें तुमको और प्लूरल में तुम लोग को आप लोग को, हिम का उसे उसको उन्हें उनको, और देम में वे लोग को उन लोग को, हर का जो है उसे उसको उन्हें उनको और देम, इसका प्लूरल हो जाएगा देम यानी कि वे लोग को उन लोग को। तो ये ऑब्जेक्टिव वर्ड्स है, ऑब्जेक्टिव वर्ड से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, वो आप इस तरह से देखेंगे। एक और बात याद कर लीजिए, वर्ब फॉर टेंसेस, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बिना इसके आप कोई भी इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जब तक आप वर्ब प्रिंसिपल वर्ब नहीं जानेंगे तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट में गो को प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में गो है, गो का पास्ट क्या होता है, वेंट हो जाता है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल गॉन हो जाता है। उसी तरह आप आगे देखिए, ईट का एट और ईटेन, कम का केम और कम, डू डिड डन, सी सॉ सिन, क्राई क्राइड क्राइड। तो बहुत सारे जो पहले अपलोड किए गए वर्क वर्कड वर्क सारे के सारे आप प्लेलिस्ट में देखने को आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि रोज दिन आप इसी तरह के जो है शब्दों का इस्तेमाल ही करते हैं। तो इसलिए आपको याद भी करना होगा, तीनों रूप इसका याद करना, यानी कि प्रेजेंट में भी वन यानी भी वन भर वन, भी टू भर टू, और भी थ्री यानी भर थ्री। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और तो देखिए, इट सिम्ड, ठीक है, लगा था, लगता था, एक्चुअली यहाँ पर बदल जाएगा, तो इट वुड सिम्ड, ठीक है, यानी कि लगता था, लगा करता था। अब सेंटेंस इसी से बनेगी, इट वुड से लेके, तो इट वुड सिम टू मी, यानी मुझे लगता था, लगा करता था। इट वुड नॉट सिम टू मी, मुझे नहीं लगता था, नहीं लगा करता था। वुड इट सिम टू मी, क्या मुझे लगता था। वुड इट नॉट सिम टू मी, क्या मुझे नहीं लगा करता था।
अब देखिए ये था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इसी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगाएंगे। इसे तीन तो यहाँ आप देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, हु होता है, हु मीन्स कौन, उसके बाद विच होता है, विच का मतलब भी होता है कौन, और वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। इसके अलावा है वेन, वेन का मतलब होता है हिंदी में कब, और हुज है, हुज का मतलब होता है दोस्तों किसका, किसको। तो ठीक, अब आगे देखिए, ये है व्हाट वुड इट सीम टू मी, मुझे क्या लगता था, क्या लगा करता था, व्हाट इट नॉट सीम टू मी, व्हाट वुड इट नॉट सीम टू मी, मुझे क्या नहीं लगता था लगा करता था। अब देखिए नेक्स्ट जो है व्हाई वुड इट सीम टू मी, मुझे क्यों लगता था लगा करता था, व्हाई वुड इट नॉट सीम टू मी, मुझे क्यों नहीं लगता था लगा करता था, हाउ वुड इट सीम टू मी, मुझे कैसे लगता था लगा करता था। ठीक है, अब हाउ वुड इट नॉट सीम टू मी, मुझे कैसे नहीं लगता था लगा करता था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए मी था, अब अस पे आते हैं, अस यानी कि मी, एक तो मी होता है सिंगुलर नंबर में, क्या होता है मी, मी का प्लूरल होता है अस, तो इट वुड सीम टू अस, ठीक है, यानी कि हिंदी जगह हम लोग को लगता था, हम लोग को लगा करता था। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो इट वुड नॉट, वुड के बाद ही नॉट लग जाएगा, तो इट वुड नॉट सीम टू अस, हम लोग को नहीं लगता था नहीं लगा करता था। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका, तो वुड पहले इसका उठ के इधर आ जाएगा, तो वुड इट सीम टू अस, क्या हम लोग को लगता था, क्या हम लोग को लगा करता था, इसका नेगेटिव हो जाएगा, इट के बाद नॉट आ जाएगा, तो वुड इट नॉट सीम टू अस, क्या हम लोग को नहीं लगता था नहीं लगा करता था। ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन यहाँ यानी कि इसके पहले यहाँ पर सेट कर देंगे, पहले रख देंगे तो आपको बन जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया आपको कि आठ तरह के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि व्हाट लग गया और ये वुड इट सीम टू अस आ गया, तो वुड इट सीम टू अस, हम लोग को क्या लगता था, हम लोग को क्या लगा करता था। नेगेटिव बनाएंगे, व्हाट इट इट नॉट सीम टू अस, हम लोग को क्या नहीं लगता था, हम लोग को क्या नहीं लगा करता था। कितना इजी है दोस्तों, देखिए समझ सकते हैं तो बहुत आसानी समझेंगे, नहीं तो ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब देखिए वाई लगाते हैं हम लोग, वाई, अब देखिए वुड इट सीम टू अस, हम लोग को क्यों लगता था, हम लोग क्या क्यों नहीं क्यों लगा करता था। इसका नेगेटिव बनाएंगे, इट के बाद ही नॉट आता है, तो वाई इट वुड इट नॉट सीम टू अस, हम लोग को क्यों नहीं लगता था लगा करता था। हाउ वुड इट सीम टू अस, हम लोग को कैसे लगता था कैसे लगा करता था। हाउ वुड इट नॉट सीम टू अस, हम लोग को कैसे नहीं लगता था लगा करता था। ये हो गया दोस्तों मी, और उसके बाद अस था। अब देखिए हम लोग सेकंड पर्सन यू, यू पे आएंगे, तो इड वुड सीम टू यू, तुम्हें तुमको लगता था लगा करता था। नेगेटिव है इट वुड नॉट सीम टू यू, तुमको नहीं लगता था नहीं लगा करता था। उसके बाद वुड इट सीम टू यू, क्या तुमको लगता था लगा करता था। वुड इट नॉट सीम टू यू, क्या तुमको नहीं लगता था लगा करता था। व्हाट वुड इट सीम टू यू, तुमको क्या लगता था, तुमको क्या लगा करता था। व्हाट वुड इट नॉट सीम टू यू, तुमको क्या नहीं लगता था लगा करता था। थोड़ा सा टेढ़ा है बोलना, लेकिन बोलते बोलते क्या होगा कि यही आपको आसानी लगने लगेगा, तो प्रयास कीजिए हमारे साथ, अगर नहीं बोलने में भी दिक्कत हो रहा है तो। देखिए व्हाई वुड इट सीम टू यू, तुमको क्यों लगता था, तुमको क्यों लगा करता था। व्हाई वुड इट, यहाँ इट के बाद ही नॉट आता है, व्हाई वुड इट नॉट सीम टू यू, तुमको क्यों नहीं लगता था क्यों नहीं लगा करता था। हाउ वुड इट सीम टू यू, तुमको कैसे लगता था कैसे लगा करता था। हाउ वुड इट नॉट सीम टू यू, तुमको कैसे नहीं लगता था कैसे लगा करता था, कैसे नहीं लगा करता था। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश सेम रहेगा, और हिंदी में यहाँ तुम्हें तुमको को जाएगा, आपको तुम लोग को हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड ये है इट वुड सीम टू यू, तुम लोग को लगता था लगा करता था। इट वुड नॉट सीम टू यू, तुम लोग को नहीं लगता था लगा करता था। और वुड इट सीम टू यू, क्या तुमको लगता था लगा करता था। वुड इट नॉट सीम टू यू, क्या तुमको नहीं लगता था लगा करता था। तो ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव।
अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन व्हाट लगाकर, व्हाट वुड इट सीम टू यू, तुमको तुम लोग को क्या लगता था लगा करता था। उसके बाद है व्हाट वुड इट नॉट सीम टू यू, तुम लोग को क्या नहीं लगता था लगा करता था। उसके बाद देखिए व्हाई वुड इट सीम टू यू, तुम लोग को क्यों लगता था लगा करता था। उसके बाद देखिए व्हाई वुड इट नॉट सीम टू यू, तुम लोग को क्यों नहीं लगता था। ठीक है, व्हाई वुड इट नॉट सीम टू यू, तुम लोग को क्यों नहीं लगता था, क्यों नहीं लगा करता था। उसके देखिए हाउ वुड इट सीम टू यू, तुम लोग को कैसे लगता था लगा करता था। हाउ वुड इट नॉट सीम टू यू, तुम लोग को कैसे नहीं लगता था लगा करता था। तो ये दोस्तों सेकंड पर्सन हो गया यू यू। अब थर्ड पर्सन में आएंगे। अब देखिए इट वुड सीम टू हीम, उसे उसको लगता था लगा करता था। इट वुड नॉट सीम टू हीम, उसे उसको नहीं लगता था लगा करता था। वुड इट सीम टू हीम, क्या उसे लगता था। वुड इट नॉट सीम टू हीम, क्या उसे नहीं लगा करता था। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन यहाँ पर सेट करके आगे बोलेंगे। तो व्हाट लगाते हैं, व्हाट वुड इट सीम टू हीम, उसको क्या लगा करता था या लगता था। व्हाट वुड इट नॉट सीम टू हीम, उसको क्या नहीं लगता था लगा करता था। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों व्हाई, व्हाई वुड इट सीम टू हीम, उसको क्यों लगता था लगा, उसको क्यों लगा करता था। व्हाई वुड इट नॉट सीम टू हीम, उसको क्यों नहीं लगता था। हाउ वुड इट सीम टू हीम, उसको कैसे लगता था। हाउ वुड इट नॉट सीम टू हीम, उसको कैसे नहीं लगता था। अब नेक्स्ट है दोस्तों देखिए देम है, एक्चुअली हर है, हिम के बाद हम हर हो जाता है। तो इट वुड सीम टू हर, उसको लगता था, उसको लगा करता था। एक ही सेंटेंस को बोलेंगे एक ही बार। तो इट वुड नॉट सीम टू हर, उसको नहीं लगता था। वुड इट सीम टू हर, क्या उसको लगता था। वुड इट नॉट सीम टू हर, क्या उसको नहीं लगता था। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब इसमें और इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन जोड़ेंगे तो आएगा अधिक से अधिक, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना अधिक से अधिक बोलने और लिखने समझने आ जाएगा। देखिए व्हाट वुड इट, ये वुड इट सीम टू हर है ना, यहाँ वुड इट सीम टू हर। व्हाट इट वुड इट सीम टू हर, उसको क्यों लगता था लगा करता था। अब नेक्स्ट है इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो व्हाट वुड इट नॉट सीम टू हर, उसको क्या नहीं लगता था लगा करता था। व्हाई वुड इट सीम टू हर, उसको क्यों लगता था। व्हाई वुड इट नॉट सीम टू हर, उसको क्यों नहीं लगता था। हाउ वुड इट सीम टू हर, उसको कैसे लगता था। हाउ वुड इट नॉट सीम टू हर, उसको कैसे नहीं लगता था। दोस्तों ये था हर। अब देखिए नेक्स्ट जो है देम पे बात करेंगे, यानी कि हिम और उसके बाद हिम के बाद हर, इन दोनों का ही प्लुरल क्या होता है दोस्तों। तो ये होता है एक्चुअली देम। और देम से देम का एक ही स्लाइड मैंने लिया है, आप अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं, लिखना होगा तो कॉपी पे लिखते हैं। तो इट वुड सीम टू देम, इट वुड सीम टू देम, उन लोगों को लगता था लगा करता था। इट वुड नॉट सीम टू देम, उन लोगों को नहीं लगता था। वुड इट सीम टू देम, क्या उन लोगों को लगता था। वुड इट नॉट सीम टू देम, क्या उन लोगों को नहीं लगता था। अब देखिए डब्ल्यू क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट वुड इट सीम टू देम, उन लोगों को क्या लगता था। ठीक है, उन लोगों को क्या लगता था, क्या लगा करता था। व्हाट, व्हाट वुड इट, ठीक है, व्हाट वुड इट नॉट सीम टू देम, उन लोगों को क्या नहीं लगता था लगा करता था। व्हाई वुड इट सीम टू देम, उन लोगों को क्यों लगता था। व्हाई वुड इट नॉट सीम टू देम, उन लोगों को क्यों नहीं लगता था। हाउ वुड इट सीम टू देम, उन लोगों को कैसे लगता था। हाउ वुड इट नॉट सीम टू देम, उन लोगों को कैसे नहीं लगता था, नहीं लगा करता था। अब दोस्तों इसके बाद एक नाम ले लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का रहेगा। तो इट वुड, ठीक है, इट वुड सीम टू अलका, एक नाम है अलका, आप अपने सगे संबंधियों का नाम लिख सकते हैं, दोस्तों का नाम लिख सकते हैं। तो इट वुड सीम टू अलका, अलका को लगता था, अलका को लगा करता था। इट इसका नेगेटिव हुआ, इट वुड नॉट सीम टू अलका, अलका को नहीं लगता था। वुड इट सीम टू अलका, क्या अलका को लगता था। वुड इट नॉट सीम टू अलका, क्या अलका को नहीं लगता था। डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा, वुड इट सीम टू अलका, अलका को क्या लगता था। व्हाट वुड इट नॉट सीम टू अलका, अलका को क्या नहीं लगता था। व्हाई वुड इट सीम टू अलका, अलका को क्यों लगता था। व्हाई वुड इट नॉट सीम टू अलका, अलका को क्यों नहीं लगता था।
हाउ वुड इट सीम टू अलका, अलका को कैसे लगता था, लगा करता था। हाउ वुड इट नॉट सीम टू अलका, अलका को कैसे नहीं लगता था, कैसे नहीं लगा करता था। तो दोस्तों ये था वुड इट सीम टू पर। अब अगले जो है स्लाइड जो है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट दीजिए, और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी स्कूली बच्चों को शेयर कीजिए, हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम को। और एक और बात कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए। देखिए थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन धीरे धीरे जो है अभ्यस्त हो जाने पर यही बहुत ही आपके आने वाले समय में बहुत ही आपका काम आएगा। और आपके लिए देखिए ज्ञान कोई किसी से छीनता नहीं है, जैसे जैसे आप ज्ञान अपने अंदर रखेंगे उतना ही आपका ही विकास होगा। तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और हर समय जो है कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव जो है बदलाव आता है। तो पॉजिटिव बदलाव हमेशा करते रहिए दोस्तों। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।